नमस्कार दोस्तों, जी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज का जो हमारा विषय है इसरो स्पेस मिशन, तो इसरो के स्पेस मिशन की बात करेंगे। जो आगामी है या स्पेस मिशन जो भेजे जा चुके हैं उसकी सूची बनाई है हमने। तो सबसे पहले जानते हैं हम इसरो के बारे में। फ्रेंड, इसरो से पहले जो था वो इनकॉस्पार था। मैं लिख देता हूँ इनकॉस्पार, जो कि 1962 में विक्रम साराभाई ने इस्टाब्लिश किया था। इसकी जो फुल फॉर्म थी वो थी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। विक्रम साराभाई जी ने 1962 में फाउंड की थी। अब मैं बता दूं विक्रम साराभाई कौन थे। ये भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1919 में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई थी फ्रेंड 1971 में। फ्रेंड, इन्हीं के नाम पर एक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भी पड़ा, जिसकी स्थापना मैं लिख देता हूँ VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी पड़ा। और फ्रेंड, इसकी स्थापना 1963 में ही कर दी गई। अभी जो इसके कार्यपालक हैं या फिर जो चेयरमैन हैं वो फ्रेंड एस सोमनाथ जी हैं। एस सोमनाथ, याद रखिए, ये एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। एस सोमनाथ जो विक्रम साराभाई के अध्यक्ष हैं। और फ्रेंड, इसका जो मुख्यालय है वो त्रिवेंद्रम केरला में है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले इनकॉस्पार के रूप में इसरो की स्थापना हुई। बाद में अब मैं इसरो की बात बता दूं। फ्रेंड, इसरो की जो स्थापना हुई वो 15 अगस्त, यानी कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त के दिन, और साल था वो 1969 में इसरो की स्थापना हुई। इसरो की जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और फ्रेंड, करंटली अभी जो इसके चेयरमैन हैं वो हैं के सिवान, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा चंद्रयान वन। तो चंद्रयान वन किस वर्ष लॉन्च किया गया था? इसरो का मिशन जो था चंद्रयान के लिए, चंद्रमा के लिए जो भेजा गया था, 7 में, 9 में, 10 में या 8 में? तो फ्रेंड, जो चंद्रयान था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत द्वारा चंद्रमा की तरफ कूच करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान था। और ये फ्रेंड अक्टूबर, यानी कि 22 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था चंद्रमा की तरफ। 2008 इसका सही आंसर है, 22 अक्टूबर 2008। मैं बात करूं चंद्रयान टू की, तो चंद्रयान टू फ्रेंड कब भेजा गया था, ये भी सेम डेट, यानी कि मंथ अलग था, सेम डेट थी, 22 जुलाई को ही भेजा गया था। आप याद रख सकते हैं डेट को, 22 अक्टूबर थी चंद्रयान वन की, 22 जुलाई चंद्रयान सेकेंड की थी, जो कि 2008 को भेजा गया था। और जो चंद्रयान सेकेंड था वो 2019 में ही, अभी हाल फिलहाल में ही भेजा गया था। तो फ्रेंड, ये किस लिए, ये PSLV से भेजा गया था, चंद्रयान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसकी फुल फॉर्म होती है। और कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। और फ्रेंड, ये 2008 में भेजा गया था चंद्रयान वन, किसकी अध्यक्षता में? चेयरमैन थे जी माधवन अय्यर, जो कि 2003 से 2009 तक इसरो के चेयरमैन रहे थे, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में भेजा गया था चंद्रयान वन, याद रखिएगा। अगला देखते हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन, या इसे हम मॉम भी कह सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा था मॉम क्या है, मॉम की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे भी आई थी जिसकी फुल फॉर्म थी मार्स ऑर्बिटर मिशन या मंगलयान। किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 12 में, 13 में, 11 में, 10 में? तो महत्वपूर्ण मिशन था इसरो का फ्रेंड। कब किया था? प्रथम ग्रहों के बीच का मिशन था फ्रेंड, पहली बार मंगल पर भेजने का विचार था इससे। इस परियोजना फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ये कब भेजी गई थी? ये 2013 में भेजी गई थी, यानी कि 5 नवंबर 2013 का महत्वपूर्ण दिन था, जिस समय इसरो ने 2013 साल में MOM या मंगलयान मिशन लॉन्च किया था। फ्रेंड, किससे भेजा था ये? PSLV, यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 से भेजा गया था। मिशन कौन सा? मंगलयान, MOM मिशन। और किसकी अध्यक्षता में भेजा गया था? के राधाकृष्णन थे, जो कि 2009 से 14 तक चेयरमैन इसरो के रहे थे। इनकी अध्यक्षता में MOM मिशन या मंगलयान मिशन PSLV C-25 से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। और फ्रेंड, अगले साल ही 14 में ये मंगल ग्रह के जो ऑर्बिट होती है, मंगल ग्रह की ऑर्बिट, वहाँ पर पहुँच गया था सफलतापूर्वक, ठीक है। एक साल ही रहा था फ्रेंड्स ये। और चलिए फ्रेंड, इतना ही है इसमें कुछ, अगला देखते हैं। अगला बात करें फ्रेंड्स, मैं एक और बता दूं, एक और इसके बारे में इम्पोर्टेंट थी फ्रेंड, मंगल। ये भी पूछा जाता है कि मंगल पे
मतलब किस किस देश ने भेजे जा चुके हैं फ्रेंड। और भारत तो एशिया का फ्रेंड प्रथम देश है, याद रखिएगा, एशिया का फर्स्ट कंट्री है जिसने मंगल पे अपना मिशन भेजा, एशिया की फर्स्ट कंट्री। इससे पहले फ्रेंड चाइना और जापान ने भी भेजा था लेकिन उसके असफल हो गए थे, भारत का सफल हो गया इसलिए वो एशिया में नंबर वन हो गया, यानी कि पहला ही एशिया कंट्री है जिसने मार्स पे यानी कि मंगल ग्रह पे अपना मंगलयान सफलतापूर्वक ऑर्बिट में मंगल की प्रक्षेपित किया था। और मैं बता दूं विश्व का ये कौन सा है, वर्ल्ड का फ्रेंड, वर्ल्ड का ये कौन सा, वर्ल्ड का भारत चौथा देश है, फोर्थ कंट्री है। कौन कौन सा मैं बता दूं, जैसे सोवियत रूस हो गया, अमेरिका की नासा हो गई, इसने भी पहुंचाया था, एक यूरोप हो गया, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी के भी गया था मंगलयान पर सफलतापूर्वक, यानी कि भारत का चौथा देश है जो मंगलयान पर सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित किया है भारत ने। चलिए ठीक, अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट किस वर्ष लॉन्च की गई थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्यभट्ट, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो फ्रेंड जो आर्यभट्ट था वो भारत का पहला उपग्रह था जिसे इसी के नाम पर भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर नामित किया गया है। फ्रेंड इसे किसने भेजा था, किस देश ने, तो ये रूस ने भेजा था या रशिया ने भेजा था या सोवियत रूस कह सकते हैं। कब भेजा था, ये भेजा था फ्रेंड 19 अप्रैल 1975, यानी कि इसका जो आंसर है 1975 सही है। तो 1975 को किससे भेजा था, कॉस्मोस पच्छे जो M3 था, कॉस्मोस M3 उससे भेजा था, उसके यान का नाम था कास्पुतीन, मैं लिख देता हूँ कास्पुतीन यान से भेजा था। कब भेजा था, 19 अप्रैल 1975 को भेजा था। और कौन किसकी चेयरमैनशिप, इसरो के चेयरमैन कौन थे, जब सतीश धवन, जिनका कार्यकाल 1972 से 84 रहा था। एक बात इम्पोर्टेंट मैं बता दूं फ्रेंड, जो सतीश धवन थे इनका जो इसरो चेयरमैनशिप थी वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि कितने फ्रेंड 12 साल। अभी तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने 12 साल का इनका सतीश धवन का रिकॉर्ड तोड़ा हो चेयरमैनशिप में, यानी कि सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड अभी इन्हीं के नाम पर। 12 साल तक रहे थे सतीश धवन इसरो के चेयरमैन। तो अगर ये भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बार चेयरमैन जो टर्म लेंथ थी वो कौन है, तो वो सतीश धवन ही थे, ठीक है याद रखिएगा। और ये 19 अप्रैल 1975 किसने कराया था फ्रेंड, ये रशिया के कॉस्मोस से भेजा गया था, यानी कि समझ लीजिए रूस ने ही भेजा था 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है। बात करें मैं सतीश धवन की, तो सतीश धवन कौन थे फ्रेंड्स, सतीश धवन एक इंजीनियर थे, ठीक है। इन्हें 1971 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है फ्रेंड, और रिसर्च भी करते थे सतीश धवन। बात करें फ्रेंड इनके नाम पे सतीश धवन एक अंतरिक्ष केंद्र भी रखा गया, आप जानते ही हैं इसरो का प्रक्षेपण केंद्र जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, जिनके सतीश धवन के मरणोपरांत इनकी स्थापना की गई कहाँ पे, श्री हरिकोटा में, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड, चंद्रयान 2 वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई 22 मई 21 जून 13 मई। तो अभी मैंने बताया था चंद्रयान 1 के बारे में, तो 22 अक्टूबर को चंद्रयान भेजा गया था, ठीक एक सेम डेट, यानी कि सेम डेट 22 जुलाई, मंथ अलग है लेकिन सेम डेट में भेजा गया था 22 जुलाई, यानी कि इसका जो सही आंसर है 22 जुलाई को चंद्रयान 1 के बाद भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो ने विकसित किया, इस अभियान को फ्रेंड किससे लॉन्च किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, GSLV जो चंद्रयान 2 था, GSLV MK3 इससे भेजा गया था, इसे चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था। इसमें फ्रेंड जो भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षायान, एक रोवर तथा एक लैंडर भी शामिल थे इसके साथ चंद्रयान 2 में, और फ्रेंड इस सब का विकास जो मेनली इसरो ने ही किया, याद रखिएगा। तो कब भेजा गया था ये, 22 जुलाई को भेजा गया था, कौन से उससे, ये GSLV MK3 से लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स। और सारे ही जो टेक्नोलॉजी है वो इसरो की है, किसी बाहर देश की नहीं है। इसमें जो शामिल थे वो एक कक्षायान था, एक रोवर था, एक लैंडर, तीन शामिल थे। अगला देखते हैं, बात करें क्या गगनयान की, तो गगनयान अंतरिक्ष में किस वर्ष भेजा जाएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गगनयान, तो फ्रेंड कब भेजा जाएगा, ये भेजा जाएगा 2022 में। तो फ्रेंड गगनयुक्त मैं बता दूं क्या, ये एक भारतीय मानवयुक्त अंतरिक्ष यान है, एक तरह का कैप्सूल बनाया जाएगा, उसमें तीन लोग, याद रखिएगा, थ्री एस्ट्रोनेट ये एक कैप्सूल ले जाएगा गगन में, यानी कि अंतरिक्ष में ले जाएगा, और वहाँ कम से कम 6 से 7 डेज बिताएंगे ये एस्ट्रोनेट भारत के, और ये भारत के ही होंगे, ठीक है। ये एस्ट्रोनेट कहाँ से लिए जाएंगे फ्रेंड, जैसे भारत की वायुसेना है उनके जो पायलट होते हैं ना उन्हीं को ये एस्ट्रोनेट बनाएंगे, क्योंकि उन्हें
वो उन्हें प्रैक्टिस होती है एक तरह की, जो वायुसेना होती है, जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, ये भी वायुसेना, यूएसए के वायुसेना के एक पायलट थे, उन्हें भी सबसे पहले चंद्रमा पे भेजा गया था, इसलिए तो हमेशा वायु या जो वायुयान के जो या वायुसेना के जो पायलट होते हैं उन्हीं को हमेशा एस्ट्रोनेट बना के पहली बार भेजा जाता है। तो इस बार भी इंडिया 3 एस्ट्रोनेट को वायुसेना में से उठाएगी, उन्हें ट्रेनिंग देगी और उन्हें अंतरिक्ष में 6-7 दिन के लिए रहने के लिए भेजेगी पूर्ण तैयारी के साथ, ठीक है। जो कि जो जो यान होगा गगनयान, वो कम से कम भारत के ऊपर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे, ठीक है। तो यही गगन में से है, 2022 को 3 लोग जाएंगे, ये या आपको याद रखना। 2022 में डेट तो आप डेट अभी कोई अभी नहीं रखी गई, लेकिन जो सन है वो 2022 बता दी गई है, और ये 3 एस्ट्रोनेट भेजे जाएंगे, 6-7 दिन रहेंगे, भारतीय वायुसेना के पायलट होंगे जो 3 एस्ट्रोनॉट है, उन्हें ट्रेनिंग चल रही है अभी। और फ्रेंड इससे पहले इसरो वो भी भेजेगा एक ट्रेनिंग, एक तरह की ट्रेनिंग करेगा, यानी कि 2021 में मानव, ये मानव युक्ता 2022 में बिना मानव के एक प्लेन भेजेगा एक तरह की ट्रेनिंग के लिए कि कैसा अगर हम बिना मानव के भेजें तो कैसा होगा। लेकिन जब इनकी ट्रेनिंग सफल हो जाएगी तो 22 में ये सफल प्रक्षेपित करेगा गगनयान अंतरिक्ष में। चलिए अगला देखते हैं, तो याद रखिएगा 2022 3 एस्ट्रोनॉट जाएंगे। अगला देखते हैं फ्रेंड्स, तो अगला क्या है, ये चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा, 24, 20, 22, 26। तो किस वर्ष काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी इसकी फ्रेंड पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन जो प्रपोज जो सन है वो है फ्रेंड 2024, यानी कि चंद्रयान 3 2024 को लॉन्च किया जाएगा। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो इसरो ने प्रपोज डेट दी है वो यही दी है, 2024 को लॉन्च किया जा सकता है फ्रेंड। ये गगन, ये चंद्रयान 3 फ्रेंड्स एक तरह का मिशन है, जिसे चंद्रयान 1, 2 के बाद तीसरा नामकरण देके लॉन्च किया जाएगा, और इसके साथ भी वही होंगे, एक ऑर्बिटर, लैंडर, एक रोवर, चंद्रयान 2 की तरह सेम उसी पे मिशन पे आधारित है। और ये फ्रेंड एक बात इसमें याद रखना, ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, ये इंडिया से हमें लॉन्च नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स, ये किया जाएगा जापान के मिशन से लॉन्च किया जाएगा, हमेशा ये याद रखना। इंडिया से चंद्रयान 3, ये इसरो ने जानकारी दी है कि ये चंद्रयान 3 इंडिया से लॉन्च नहीं होगा, ये जापान लॉन्च करेगा चंद्रयान 3 को भारत के, ठीक है, ये आप याद रखना। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आदित्य L1, आपने नाम भी सुना होगा, जो सूर्य की बाहरी सतह का अध्ययन करेगा, को किस वर्ष भेजे जाने की संभावना है। तो किस वर्ष भेजे जाने की संभावना है फ्रेंड, 24, 25, 19, 20, 22, 23, 26, 27। फ्रेंड इसका जो सही आंसर है 19, 20। आदित्य L1 फ्रेंड सूर्य की बाहरी सतह का अध्ययन करेगा, अभी तो भेजा नहीं गया, लेकिन 19, 20 में कभी या थोड़े दिन बाद भेजा जा सकता है। अभी इसकी ढंग से कोई इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं आई, लेकिन जो इसरो ने डेट दी थी वो 2019 से 20 के बीच दी थी। ये क्या है फ्रेंड, ये एक अंतरिक्ष यान है जिसका मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए है। यह जनवरी 2008 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक सलाहकार समिति द्वारा अवधारणा किया था, यानी कि 2008 में एक अवधारणा ली थी कि हम सन की सतह की हम जांच करेंगे और उसमें पाएंगे। तो 2019-20 ऐसा दिन होगा, यानी कि इस सन के बीच कभी भी अक्टूबर नवंबर में कभी भी भेजा जा सकता है फ्रेंड, क्या करने के लिए, भारी सतह की अध्ययन करने की, क्योंकि नासा ने भेज दिया। आप फ्रेंड इंडिया पे पीछे कैसे रखता है, तो इंडिया भी 2019 से 20 के बीच कभी भी भेज सकता है। PSLV से भेजा जाएगा, किससे भेजा जाएगा, एक्सेल से, PSLV XL से ये प्रक्षेपित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। 2019-20 में प्रक्षेपित करेगा इसरो, और किससे भेजेगा, एक्सेल से, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती है, XL इसका संस्करण है, याद रखिएगा, ठीक है, भूलना मत। अगला देखते हैं, ये कुछ तरह का ऐसा दृश्य दिखाया है, आप गूगल्स में भी कर सकते हैं तो आपको यही जानकारी मिलेगी। अगला देखते हैं, बात करें MOM 2 या मंगलयान 2 या MOM 2, ठीक है, किस बार लॉन्च किया जाएगा, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27। तो फ्रेंड कब लॉन्च किया जाएगा, इसका जो सही आंसर है 2024 से 25 के बीच जो मंगलयान के लिए मिशन 2 है वो लॉन्च किया जा सकता है फ्रेंड। इसरो द्वारा मंगल ग्रह के लिए मिशन को फ्रेंड कब लॉन्च किया जाएगा, या तो 2024 में 2025 के बीच में तो लॉन्च किया जा सकता है कि मंगलयान 1 जो है इसरो का वो सफलतापूर्वक ऑर्बिट में दाखिल हो गया था, अब तो फ्रेंड संपर्क से हट गया, लेकिन मंगलयान 2 भेजेगा फ्रेंड्स
जो ऑर्बिट होती है मंगल की उसकी सतह की जांच करने के लिए ही भेजेगा। तो बहुत ही इसरो का महत्वपूर्ण मिशन है। कब भेजा जा सकता है? 2024 से 2025 में। अभी इसका कोई रॉकेट नहीं पता कि किस रॉकेट से भेजा जाएगा मंगलयान 2। जैसे ही पता पड़ेगा तो हम अपनी कमेंट में आपको बता देंगे, लेकिन अभी 2024-25 तो बहुत दूर है, तो अभी इसकी कोई ज़्यादा खबर न्यूज में नहीं है। ठीक है, मंगलयान 2, लेकिन ये भेजा जाएगा मंगलयान 2 2024-25 में। इसरो ने इसकी जो ईयर है वो सपोज ईयर दे दी है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, बात करें शुक्रयान की। तो फ्रेंड शुक्रयान प्रपोज है 2023 में, जो कि शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। तो किस वर्ष है वो? 2023 में शुक्रयान भेजा जाएगा, भेजा जा सकता है। अभी इसका कोई फ्रेंड भारत सरकार ने फंड वंड नहीं दिया, तो अभी प्रस्तावित नहीं है। लेकिन 2023 इसरो के चेयरमैन ने यानी कि के सिवान ने, जिन्हें रॉकेट मैन भी किया कहा जाता है, तो उनको एक डेट दे दी है, उन्होंने एक डेट दे दी है 2023 के, भैया शुक्रयान हम 2023 में भेजे जा सकते हैं। शुक्रयान 1 क्यों कहा है फ्रेंड? आगामी शुक्रयान 2-3 भी भेजा जाएगा, इसलिए इस बार नामकरण शुक्रयान 1 के नाम से किया गया है। ठीक है, इसकी कोई अभी प्रस्तावित डेट नहीं है। ठीक है, चलिए आगे, ये आपको याद रखना, शुक्रयान 1 भी इसरो के आगामी लक्ष्यों में से एक है, स्पेस मिशन में से। बात करें निसार, फ्रेंड इंपॉर्टेंट है निसार, अभी सुर्खियों में भी रहता है। निसार क्या है? तो निसार इसरो एंड नासा का जॉइंट वेंचर है फ्रेंड। एक तरह का क्या है, पहले मैं फुल फॉर्म बता दूं निसार की, होता क्या है फिर? नासा या इसरो सिंथेटिक अपेचर रडार और या निसार, इसे हम कह सकते हैं, जैसे हिंदी में हम कहते हैं सिंथेटिक, इसे मैं लिख देता हूं, नासा इसरो सिंथेटिक अपेचर रडार, इसकी जो फुल फॉर्म है। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। और ये क्या है फ्रेंड? एक तरह की दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह को विकसित करने और लॉन्च करने के लिए नासा और इसरो के बीच एक संयुक्त परियोजना हुई है, जो कि जॉइंट वेंचर कहलाती है। या यह उपग्रह दोहरी आवृत्ति का उपयोग करने वाला पहला रडार इमेजिंग सैटेलाइट होगा। इसे धरती के प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए रिमोट सेंसिंग में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये किसका है फ्रेंड? इसरो प्लस नासा, याद रखिएगा। आपको एग्जाम में आया निसार क्या है, तो इसरो ए नासा का एक संयुक्त परियोजना है, जिसे आगामी अभी प्रस्तावित प्रपोज जो दी है डेट मैंने 2020 से 2021 भेजा जा सकता है। ठीक है, कंफर्म है ये 2020 और 2021 में ही इसरो भेजेगा। ठीक है, नासा और इसरो का जॉइंट वेंचर एक तरह का फ्रेंड। तो ये थे हमारे इसरो के स्पेस मिशन, कुछ आगामी और कुछ जो भेजे जा चुके हैं इसरो के द्वारा। तो फ्रेंड कैसे लगे आपको वीडियो? अगर अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं भी अच्छे लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं आ जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।